देख रहे हैं सत्य समाचार यह हूँ आपके साथ प्रीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार यह हूँ आपके साथ प्रीति। पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा मृतक सिपाही के परिजनों को सूचित करने के बाद परिजनों की तहरीर पर सिपाही का पोस्टमार्टम कराया गया है। बीती देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरापुरम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना जैतपुर जनपद आगरा ग्राम गढ़िया निवासी आरक्षी भूपेन प्रताप सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही सूचना परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक 2011 बैच का सिपाही था। थाना कुर्रा क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात था। मृतक लाइन हाजिर चला था। वहीं परिजनों ने बताया कि आए दिन मृतक का उसकी पत्नी से विवाद होता रहता था। वर्तमान में भी मृतक का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ही मृतक रूपेन ने आखिरकार आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। भानु जी, किसकी मृत्यु हुई है? मेरा छोटा भाई जो यहाँ पुलिस में पुलिस लाइन में नौकरी करता है, पुलिस में जी। ये कुछ मतलब आपस में प्रॉब्लम होने की वजह से। किससे प्रॉब्लम थी? अपनी बाइक से। आपको आपको कैसे क्या सूचना मिली? हमको हमारे पास फोन गया था। किसने किया था? अच्छा, तो ये कहाँ पे रह रहे थे अभी? मैनपुरी में। मैनपुरी कहाँ पे? तो ये ससुर क्या साथ में ही रहते थे क्या? नहीं नहीं, ये उनके पास उनकी लड़की ने फोन किया, उन्होंने हमारे पास। अच्छा, तुम ये अभी दोनों साथ में रहते थे? हाँ। क्या मामला? कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाइन में नियुक्त आरक्षी रूपेंद्र कुमार सिंह, जो आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर जाके देखा तो उस आरक्षी की जो बॉडी है वो फर्श पर रखी हुई थी। मौके पर पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, उनके घर वालों को सूचित किया गया। घर वालों ने उसका पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम कराए जाने की बात की है। उनकी तहरीर पर मृतक आरक्षी का पंचायतनामा कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी तक कोई बात सामने आई क्या कारण हो रहा है? अभी सभी लोग दुखी हैं, घर के लोग, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई है जिसके कारण कोई उसके द्वारा ऐसी मृत्यु किए जाने की, आत्महत्या किए जाने की या अन्य कोई बात आई है। पंचायतनामा से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो